फाइनली अब देख सकते हो मैंने अपने गेम में जेसीबी ले लिया और जेसीबी का मुझे चीट कोड पर चल चुका है और मैं देख सकते हो कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ और जेसीबी को भाई सब इंजॉय भी कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मस्त है। और भाई साथ साथ मैंने भाई बैटमैन कार को भी ले लिया, मुझे बैटमैन कार का चीट कोड पर चल चुका है और देख सकते हैं मैंने बैटमैन कार को स्पॉन कर लिया है और ये देखो कितनी बेहतरीन लग रही है बैटमैन कार। और साथ ही साथ मैंने भाई चीट कोड डाल के भाई अपने निशान GTR को भी स्पॉन कर लिया और निशान GTR क्या लग रही है हमारे गेम में। और गाइस आप देख सकते हो मैंने भाई साहब अपने न्यू अपडेट में भाई जो है अपने हाउस को भाई साहब RGB मेरा न्यू हाउस RGB मतलब न्यू तरीके से हो चुका है। तो आप लोग अपने गेम को सीक्रेट तरीके से कैसे अपडेट कर सकते हो सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। और आपको जेसीबी के चीट को बताने वाला हूँ, आपको बैटमैन का चीट को बताने वाला हूँ, निशान GTR कार का चीट को बताने वाला हूँ, तो सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो वीडियो लास्ट जरूर देख लेना, चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। और गाइस देख सकते हैं मैंने वाई फाई डबल फाइव डाला तो भाई साहब देख सकते हो घोष लाइट आ गई। जो मैंने अपने हमारे जो है गेम में जो पुराने चीट कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो मैंने 77 डाला तो हमारी जो है रेंज रोवर आ गई। एक इन्फॉर्म गुड न्यूज बता देता हूँ, जो हमारी रेंज रोवर कार है ना वो भाई साहब अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि रेंज रोवर कार रिमूव करके भाई इसमें जो है आपको भाई हमारे जो है आप बोल रहे हो कि रेंज रोवर के बल्दे हमारी निशान GTR कार आ जाए। तो भाई साहब अगर आप इस बारे में क्या क्या मतलब आपकी राय है तो आप कमेंट जरूर बता देते हो रेंज रोवर हमारे गेम में भाई जो है रिमूव हो ना हो तो आप इस बारे में बता सकते हो। तो गाइस मैंने अभी आपको डाला और देखो मैंने 300 डाला तो मेरी टार्जन कार आ चुकी है। एंड गाइस मैंने आपको इतनी चिट बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो है आप जेसीबी का चिट कोड क्या है। देखो तो मैंने जेसीबी ले ली। एंड गाइस अब मैं जेसीबी को कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, देखो भाई मैंने भाई जेसीबी बिल्कुल स्पॉन कर ली। और गाइस अब न्यू अपडेट में जेसीबी कितनी ज्यादा बेहतर लग रही है। और भाई देखो डायनासोर यहाँ पर मैंने स्पॉन कराए थे और भाई हॉर्स काफी है तो मैं इनको जो है हॉर्स को उठा रहा हूँ और भाई साहब काफी ज्यादा मजा आ रहा है जेसीबी को चलाने में। अगर आपने भाई साहब गेम को अपडेट कर लिया सीक्रेट तरीके से और आपने भाई साहब जेसीबी मैंने चीट को बता दी और आपने जेसीबी स्पॉन की तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा जेसीबी चलाने में। और ये देख सकते हो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये देखो मैंने डायनासोर एंड भाई साहब अपने जो है हॉर्स को उठा लिया है और जेसीबी भाई साहब बिल्कुल स्मूथली भी कंट्रोल हो रही है और काफी ज्यादा मस्त लग रही है। तो काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि हम जो है जेसीबी का जो है कलर चेंज कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि अपने आप जो है जेसीबी का कलर चेंज नहीं कर सकते। और गाइस आप जो है जेसीबी का येलो कलर जहाँ तक रहता है तो रोहित गेमिंग स्टूडियो ने बोला है कि हम जो है अपने जेसीबी को येलो ही जहाँ तक रखेंगे। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने गेम को RGB कैसे कर सकते हो। तो गाइस देखो अभी जो है मैं अभी पुराने गेम का पुराना आप पुराना अपडेट खेल लो तो मैं पुराना अपडेट आपको करके दिखाता हूँ। तो पुराने अपडेट में आप जैसे अपने अपने हाउस को RGB करोगे तो मैं अभी एक दिखा देता हूँ। जैसे अपने पुराने अपडेट में अपने हाउस को RGB करोगे तो मैं अभी पुराना अपडेट मैंने अभी डाउनलोड कर लिया तो मैं पुराने अपडेट में RGB हाउस करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने RGB हाउस डाल दिया पुराने अपडेट में और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरा RGB हाउस कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हो आपके गेम में भी अगर आपने गेम में डाला हुआ RGB हाउस तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 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 गाइस अगर आपको न्यू अपडेट में आप अगर RGB हाउस डालोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा RGB हाउस जो कि बहुत ज़्यादा मस्त दिखता है। और देख सकते हैं आप भाई साहब बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप देख सकते हैं ये वाला RGB हाउस काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है हमारे पुराने RGB हाउस से। और ये वाला हाउस अगर आप लेना चाहते हो तो आपको भाई साहब न्यू अपडेट खेलना पड़ेगा और न्यू अपडेट भाई साहब आपको अपडेट करना पड़ेगा गेम। तो भाई देखो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि गेम को अपडेट आ चुका है लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको बता दूँ कि रोहित गेम स्टूडियो है उन्होंने बोला है कि भाई हम जो है गेम को भाई साहब अब जनवरी की लास्ट तक अब जो है गेम को अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि भाई साहब हमारे गेम में काफ़ी चीज़ें ऐड हो रही हैं। आपको बताया कि जैसे भी हमारी ऐड हुई थी और भाई साहब हमारे जो है अब पुलिस स्टेशन भी ऐड हो रहा है तो पुलिस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऐड हो रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इस तरीके से। इसलिए कैसे हमारे गेम को आने में भाई साहब अभी थोड़े दिन और लग जाएंगे क्योंकि भाई साहब अभी आपका गेम को अपडेट नहीं आया तो आप अभी गेम को अपडेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ भाई प्ले स्टोर से गेम को अपडेट कर सकते हो। तो भाई साहब अभी प्ले स्टोर पर गेम नहीं आया तो भाई साहब कैसे कर सकते हो। तो जैसे ही प्ले स्टोर पर गेम का अपडेट आ गया तो मैं आपको बता दूंगा प्ले स्टोर पर गेम का अपडेट कब आएगा। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वॉल पर सेट कर लो क्योंकि आपको पता चल जाएगा फिर भाई साहब गेम का अपडेट जब प्ले स्टोर पर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है अपने जेसीबी का चीट कोड क्या है और निशान GTR कार का चीट कोड क्या है हमारे बैटमैन कार का चीट कोड क्या है। तो गाइस देखो निशान GTR और भाई साहब बैटमैन कार हमारे गेम में अभी ऐड नहीं हुई है क्योंकि भाई साहब काफ़ी लोग इस पर डिमांड बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे आपको बताया कि हमारे जो है इंडियन बाइक ड्रम थ्री गेम में जिस चीज़ को हम आप गेम में लेना चाहते हो उस गेम को भाई साहब उस कार को भाई साहब आपको डिमांड बढ़ानी पड़ती है। और भाई साहब अगर निशान GTR और बैटमैन कार अगर आप हमारे गेम में चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि आपको ये करना है भाई आप रोहित गेमिंग स्टूडियो
चैनल पर जाना है, और भाई सब वहाँ पर जाकर आप भाई सब कमेंट कर दो, आपको हैशटैग ट्रेस गेमर्स पहले डालना है, फिर उस पर उसके बाद आपको डालना है भाई जो है आप जो कार चाहते हो वो आपको भाई सब न्यू अपडेट आपको जो कार आप चाहते हो वो कार का नाम आप डाल दो, फिर भाई रोहित गेमिंग स्टूडियो पर चल जाए कि किस कार की सबसे ज़्यादा डिमांड है। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको हैशटैग ट्रेस गेमर डालना है, फिर आपको अपना जो है कमेंट कर अपना कमेंट करना है कि आप जो हमारे गेमर चाहते हो वो आप डिमांड बढ़ा सकते हो। तो आप जो है बैटमैन कार चाहते हो तो बैटमैन कार का चुटको आप बैटमैन कार लिख सकते हो, और आप निशान जी टी आर का चाहते हो तो आप निशान जी टी आर लिख सकते हो। तो कुछ भी जो आप चाहते हो वो आप हैशटैग ड्रेस गेमर डाल के आप लिख सकते हो। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि आप बैटमैन कार और निशान जी टी आर कार को कैसे ले सकते हो, तो आपको यही सिंपल स्टेप करने हैं। और गाइस मैं आपको देता हूँ कि आप निशान हमारे जो है जेसीबी का चीट कोड क्या है, तो जेसीबी का चीट कोड अभी रिवील नहीं हो जाएगा क्योंकि रोहित गेमर स्टूडियो ने बोला है 2-3 दिन बाद जो है हम मतलब जितनी भी हमारे व्हीकल जो न्यू अपडेट में ऐड होती हैं तो उसका भाई साहब जो है आपको देखने को मिलते हैं भाई चीट कोड। तो भाई साहब 2-3 दिन पहले भाई साहब हमारे जेसीबी का चीट कोड ऐड होगा, अभी ऐड नहीं हुआ है क्योंकि भाई साहब अभी रिवील्ड नहीं हुआ, उन्होंने अभी रिवील्ड नहीं किया जेसीबी का चीट कोड, तो जैसे रिवील्ड होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और भाई साहब हमारे चैनल पर भाई साहब बहुत जल्दी भाई आपको देखने को मिलने वाला भाई प्ले स्टेशन गेम प्ले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि भाई साहब प्ले स्टेशन बहुत जल्दी हमारे गेम मतलब हमारे काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको भाई साहब गेम प्ले मिलने वाला है। प्ले स्टेशन में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे किस तरीके से भाई साहब पुलिस स्टेशन बनना है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनना है, ये ना भी छोटा मोटा पुलिस स्टेशन नहीं बनना है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनना है। अगर आप उसमें कोई मिशन मिशन चाहते हो तो कमेंट बता सकते हो मुझसे। तो हाँ गाइस एक बात और बता देना कि भाई कमेंट में कि आपको भाई साहब हमारे रेंज रोवर कार जो है भाई काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि यार ये कार बिल्कुल बकवास कार लगती है। हाँ रेंज रोवर है तो इतनी बेहतरीन कार, लेकिन भाई साहब इस गेम में कुछ मतलब बेकार सा मॉडल डाला है तो ज़्यादा मुझे भी खास नहीं लगता है रेंज रोवर का। अगर आप चाहते हो कि भाई रेंज रोवर अगर आपको भाई साहब कह रहा है तो मुझे कमेंट जरूर बताना कि भाई रेंज रिवर्स को मैं जो है न्यू अपडेट में भाई साहब रिमूव करा जाए या फिर नहीं करा जाए, क्योंकि भाई व्हीकल बहुत हो रही है और आगे जाके भाई हमारे गेम में बहुत ज़्यादा व्हीकल हो जाएंगे गेम में, तो भाई साहब कुछ व्हीकल्स को भाई जो है बेकार व्हीकल को जो लोग पसंद नहीं करते हैं तो उनको भाई रिमूव करा जाएगा, जिससे कि भाई जो है न्यू व्हीकल्स आ रही हैं तो भाई उन्हें भाई साहब ज़्यादा भरे ज़्यादा गेम का ज़्यादा गेम भाई ज़्यादा बड़ा नहीं हो और भाई साहब स्मॉल से स्मॉल डिवाइस चल पाए। इस चक्कर में जो हमारे बेकार से बेकार जो है हमारे व्हीकल्स रिमूव करी जा रही हैं और भाई साहब जो है उसमें न्यू व्हीकल्स ऐड करी जा रही हैं, तो आप बताना कि रेंज रोवर डिलीट करके मतलब रिमूव करके भाई जो है हमारे गेम में भाई साहब बैटमैन का या निशान जी टी आर उसकी जगह डाल दी जाए, तो आप कमेंट कर बताना। तो आप भाई साहब आप पे डिपेंड रखता है कि रेंज रोवर आपको कैसी लगती है, तो जिस चीज़ अच्छी लगती है भाई साहब तो भाई वो तो भाई रिमूव नहीं बोलेंगे। तो खैर गाइस, और हाँ गाइस काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि भाई हमारे गेम में रेन मोड ऐड होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गेम में रोहित गेमिंग स्टूडियो बोला है कि अगर हमें टाइम मिला तो हम रेन मोड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि भाई रेन मोड भाई पता नहीं चल पा रहा है कैसे ऐड कर पाए, मतलब हमारे जो है गेम में चीट कोड से ऐड करें या फिर जो है मैं जो है RGS टूल में ऐड करें, तो आप कमेंट बताना। अभी तो भाई साहब फिलहाल अभी जो है प्ले स्टेशन बग चल रहा है, तो प्ले स्टेशन जब ऐड हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई साहब जो है अपने रेन मोड में बग चलेगा ना चलेगा, तो रेन मोड टाइम मिला तो हो जाएगा, वरना भाई कोई बात नहीं है नेक्स्ट अपडेट में हो जाएगा रेन मोड हमारा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो लाइक करना, चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए गुड बाय।